नमस्कार, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चीन में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि ना तो अस्पताल बचे हैं और ना ही दवाइयां मिल रही है। शमशान घाट में वेटिंग लिस्ट चल रही है। सरकार कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े छिपा रही है। एक दिन पहले ही चीन ने एक ही शमशान घाट में कुछ पत्रकार पहुंचे तो पुलिस बलों ने उनको वहां से खदेड़ कर भगा दिया। अंतिम संस्कार के लिए लगी लंबी लाइनों को जल्दी से निपटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अधिकारियों ने तो यहां तक कहा है कि इस वक्त हालात इतने बुरे हैं कि लाशों को ट्रक में रखना पड़ रहा है। साथ ही सरकार ने जैसे ही कोरोना प्रतिबंधों को ढील दी है, वैसे ही मामले भयंकर उछाल देखा गया है। अस्पताल में एक एक बेड के लिए लोग संघर्ष करते दिख रहे हैं। वहीं मेडिकल स्टोर पूरी तरह से खाली हो चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चेतावनी दी है कि प्रकोप अब बाकी दुनिया के चिंता का विषय है। चीन में पूर्वोत्तर से लेकर इसके दक्षिण पश्चिमी तक शमशान घाट में कर्मचारियों ने AFP एजेंसी को बताया है कि इतनी मौत हो रही है कि वो अभी परेशान हो गए हैं। 3 करोड़ आबादी वाला शहर है चोंगकिंग, जो वेफर में बताया है कि यहाँ पर अधिकारियों ने इस सप्ताह हल्के कोविड लक्षणों वाले लोगों को काम पर जाने को कहा है। साथ ही एक कर्मचारी ने अपने नाम का खुलासा न करते हुए कहा है कि हाल ही दिनों में शवों की संख्या पहले की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ गई है। शवों के रखने के लिए उनके शमशान की जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम बहुत व्यस्त हैं और शवों के लिए कोल्ड स्टोरेज भी जगह नहीं है। कुछ दिन पहले ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI सहित इनके सहयोगी संगठनों को गृह मंत्रालय ने 5 सालों के लिए बैन कर दिया था। इसके बाद से देश भर के कई हिस्सों में एजेंसियों ने इसके ठिकानों पर छापेमारी की थी। ग्रुप के कई मेंबर्स का लिंक आतंकी संगठनों से भी मिला है। अब NIA ने कहा है कि PFI के देशद्रोही गतिविधियों ने संबंध को अहम जानकारी, डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। वही आपको बता दें कि NIA के जांच में PFI नेताओं द्वारा सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने जैसे कदमों का भी खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने PFI पर प्रतिबंध के बाद से गिरफ्तार किए गए प्रतिबंध संगठनों के नेताओं के बारे में कोचिज के विशेष NI कोर्ट ने जानकारी दी है। वही NI के बताया है कि केरल में प्रतिबंधित PFI के नेता इस्लामिक स्टेट IS और साथ ही अलकायदा के कुछ नेताओं के संपर्क में है। इस दौरान उन्होंने NI ने अदालत के संगठनों पर बैन लगाने के बाद से गिरफ्तार किए गए PFI नेताओं के खिलाफ जांच किए हैं और साथ ही समय भी मांगा है। NIA ने विशेष अदालत में खुलासा किया है कि केरल PFI नेताओं का कनेक्शन IS और साथ ही अलकायदा से मिले हैं। इसके खिलाफ पुख्ता सबूत एजेंसी को मिला है। देश में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ रहे मामलों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP ने अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। वही अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ VHP ने ओर से 21 दिसंबर यानी आज से 31 दिसंबर तक देश भर में अभियान चलाया जाएगा। VHP के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने दावा किया है कि अब तक 62 लाख हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाया गया है, जबकि 9 लाख लोगों की धर्म में वापसी कराई गई है। हमने 25,000 बेटियों को लव जिहाद से चंगुल से फंसाने से बचाया है। वही VHP की ओर से यह भी अभियान उन हिंदुओं के घर वापसी के उद्देश्य से शुरू किया गया है जिन्हें इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया था।
सूत्रों के मुताबिक बीएचपी ने देश भर में 1000 से ज्यादा संवेदनशील जिलों की पहचान की है। साथ ही जहां हाल ही दिनों में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की घटना सामने आई है, बीएचपी की मांग से यह भी है कि सरकार का काम मंदिर चलाना नहीं है, इस बारे में केंद्रीय कानून बने और हिंदू समाज को वापस मंदिर मिले। जब मस्जिद, जैन मंदिर और साथ ही गुरुद्वारा सरकार नहीं चलाती तो मंदिर भी क्यों चलाए। वीएचपी के मुताबिक देश भर में 2 लाख से ज्यादा मंदिर राज्य सरकारों के अधीन है। वही केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता अजय राय के लटके झटके वाले टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी बता दे कि आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने कहा है कि अगर राहुल गांधी मर्द है तो उन्हें 2024 में अमेठी के लिए अपने दावेदारी की घोषणा खुले तौर पर करनी चाहिए, बजाय इसके लिए कि वे अजय राय जैसे लोगों के पीछे छिप जाए। सोमवार को कांग्रेस नेता अजय राय ने स्मृति ईरानी और राहुल गांधी को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया, जब उन्होंने कहा कि केंद्र मंत्री अमेठी में केवल लटके झटके करती है और चली जाती है, जबकि यहाँ ये सीट गांधी परिवार का गढ़ रही है। वहीं इस बयान के बाद से बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई पलटवार किए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस दौरान राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने टिप्पणी पर ध्यान दिया और साथ ही उन्हें नोटिस भेजा है, जबकि बीजेपी महिला मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में अजय राय के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीत लहर के प्रकोप के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही हालांकि कल से ही मुकाबले आज कोहरे कम है, कोहरे के कारण पंजाब में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली सहित सिंधु गंगा की मैदानी इलाकों में आज लगातार तीसरे दिन कोहरा छाया रहा। वहीं कोहरे के आज भी सड़क यातायात और साथ ही ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। कल घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई जगहों पर दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 40 अन्य घायल हो गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों में अधिक ठंड सताएगी, क्योंकि लगातार पारा गिरता जा रहा है और मौसम विभाग की माने तो आज दिन का अधिकतम तापमान 12 डिग्री टेम्परेचर और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। साथ ही हवा तेज गति से चलने वाली है, जिसके कारण लोगों को ठंड अधिक लगेगी। भ्रष्टाचार के आरोप में अंबेडकर नगर के भीटी तहसील में तैनात एसडीएम सुनील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीएम को गिरफ्तार करने आई चंदौली पुलिस ने सोमवार को घंटों इंतजार किया। जैसे ही एसडीएम की बैठक का भाग लेने के बाद अपने आवास पहुंचे, वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीएम की गिरफ्तारी के बाद से यूपी के ब्यूरो क्रेसी में हड़कंप मच गया है। साथ ही एसडीएम की गिरफ्तारी में ना होने पर हाईकोर्ट ने चंदौली के एसपी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है, इसलिए पुलिस ने एसडीएम पर कोई मोहलत नहीं दी है। वही चंदौली जिले में लगभग एक दशक पर तहसीलदार रहने के दौरान ही हुए कांशीराम आवास के आवंटन में हुए धांधली में एसडीएम को भीटी सुनील कुमार का नाम था, और जिसमें हाईकोर्ट में प्रकरण में सुनवाई चलने के दौरान सुनील समेत अन्य आरोपी को हाजिरी नहीं हुए थे। इस दौरान सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके साथ ही कोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए एसपी चंदौली को व्यक्तिगत रूप से तलब करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद ही सभी आरोपी अधिकारी और कर्मचारियों की गिरफ्तारी तय करने का निर्णय हुआ, और इसी क्रम में चंदौली क्राइम ब्रांच प्रभारी संतोष कुमार सिंह और दरोगा आलोक कुमार सोमवार शाम अंबेडकर नगर पहुंच गए। पता चला कि उस समय एसडीएम सुनील कुमार जिला मुख्यालय पर डीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लेने गए थे। टीम के पास कलेक्टर पहुंचकर गिरफ्तारी करने या फिर वहां से लौटते समय रास्ते ही में ही गिरफ्तारी करने का विकल्प था। हालांकि किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस टीम ने एसडीएम के आवास पर लौटने का इंतजार किया। देर शाम एसडीएम देर
जैसे ही आवास पहुंचे तभी वहां चंदौली पुलिस की टीम सात भाटी एसओ पंडित त्रिपाठी और अन्य पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड लखनऊ से दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये एसडीएम की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है, क्या कुछ ये मामला है, पहले विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए 2011 का ये मामला है और 2011 में जो काशीराम आवास आवंटन में जो गड़बड़ी का केस था उसमें मामला कोतवाली में दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़ित व्यक्ति थे चंद्रमोहन सिंह और चंद्रमोहन सिंह की तहरीर पर 51 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था। उस समय पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, बाकी के आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 14 अगस्त 2013 को चंद्रमोहन सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, इस पर कार्रवाई की मांग की थी। इसमें तत्कालीन नायब तहसीलदार सुनील कुमार, जो अभी मौके पर एसडीएम थे, आदिशासी अधिकारी कानूनगो लेखपाल समेत 11 कर्मचारी आरोपित थे। कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी और जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तब चंदौली के एसपी को हाईकोर्ट ने तलब कर लिया। हाईकोर्ट ने तलब करते ही साथ ही ये कहा कि या तो एसडीएम साहब को गिरफ्तार करें या फिर एसपी तलब हो कोर्ट में। आनंद फानंद में एसपी ने अपने आप को बचाने के लिए चंदौली पुलिस ने एसडीएम को अम्बेडकर नगर के गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस जब वहां पर पहुंची थी तो पहले ये देखा जा रहा था कि एसडीएम साहब डीएम साहब की मीटिंग में है, रास्ते में अगर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी तो कोई बवाल ना हो जाए, किसी तरीके की कौन ना पहुंचने लगे। इस तरीके से उन्होंने आवास से पहले घेराबंदी शुरू की, जब आवास से वो बाहर जैसे ही वो निकले उसके बाद अचानक पुलिस ने उन पर अरेस्ट कर लिया। एसडीएम साहब जब सुने, इस चीज को सुन के वो सन्न रह गए। उन्होंने एक मौका मांगा कि शायद एक दिन का समय मिल जाएगा तो कोर्ट में कोई रास्ता जुगाड़ लगा लेंगे गिरफ्तारी पे, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और वो जैसे ही फोन करने वाले थे उच्च अधिकारियों को, वैसे उनके पुलिस ने उनके फोन को छीन लिया। और मैं कह सकता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी जब की गई है तो उस मौके पे अधिशासी अधिकारी वही बैठ रहे हैं कार के अंदर और पुलिस की हिरासत में एसडीएम साहब मौजूद हैं। तो एसडीएम साहब मतलब काफी ज्यादा मतलब कह सकता हूँ गमगीन थे नम आंखों से। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो चाबुक चला है, जिस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए एसडीएम को गिरफ्तार करवा रहे हैं, तो क्या इस मामले में लेकर के अभी हाईकोर्ट की जांच बैठेगी? और ये 2011 में काशीराम आवास आवंटन का गड़बड़ी का केस का मामला था, इसमें पीड़ित चंद्रमोहन सिंह की तहरीर पर मामला चल रहा था 2011 को लेकर के, आज जो है गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स ने पूरा हड़कंप मचा हुआ है। और करप्शन पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गंभीर है, इसी तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना चाबुक चलाया है। जी बिल्कुल दानिश, जिस तरीके से एसडीएम की गिरफ्तारी हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऐसे बड़े अधिकारियों की एसडीएम की गिरफ्तारी हो रहा, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे वो इन्वॉल्व हुए हैं और कैसे उनका नाम आगे आया है। लेकिन दानिश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब एसडीएम की गिरफ्तारी हुई है, अब उनपे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, गिरफ्तारी होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम में खुद एक पावर रखता है अपने आप को, एसडीएम खुद किसी को गिरफ्तार करवा सकते हैं। 151 का चलान हो तो भी एसडीएम से जमानत चाहिए होती है, और जब 151 चलान चलाने वाले खुद ही गिरफ्तार हो गया तो ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई मैं कह सकता हूँ है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नजीर पेश की है। और इस तरीके से जो करप्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, करप्शन को लेकर के जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स में हड़कंप मच गया है, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से करप्शन को लेकर काम कर रही है, उसी तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से एक ऑर्डर सुनाया है गिरफ्तारी का, ये बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि जजमेंट है। और अभी आने वाला जो फैसला होगा शायद इनके हाथ में बेहतर नहीं होगा, क्योंकि अक्सर जो आईएएस और पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं, जो एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं, वो ज्यादातर इन मामलों में गंभीर नहीं होते हैं और करप्शन के कई मामलों में खुद इन्वॉल्व रहते हैं। जिस तरीके से जब नायब तहसीलदार थे तब इनके ऊपर आरोप लगे थे और मौके पर एसडीएम, तो ऐसा नहीं कि इनकी कोई ना कोई तथ्य ऐसे होंगे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखे होंगे। हालांकि पीड़ित जिस तरीके से पीड़ित ने तहरीर जो दी होगी, जो याचिका की होगी, जो याचिका में कुछ ऐसे क्लू होंगे जो कोर्ट को लगा होगा, तो जिस तरीके से पहले तो 2011 का मामला, यानी कि अगर 2011 के बाद जो 2022 चल रहा है, अगर 10 सालों के बाद ये 12 सालों के बाद गिरफ्तारी हो रही है, तो यही बहुत बड़ी बात है कि एसडीएम को गिरफ्तारी कर लिया गया ना, 12 साल के बाद गिरफ्तारी होना, यही बड़ा बहुत बड़ा सवाल है। करप्शन चलते रहते हैं, गिरफ्तारियां होती भी नहीं है, और जिस तरीके से एसडीएम साहब ने पुलिस को 2-3 की मोहलत मांग करके अपना प्रयास करने की कोशिश की कि शायद उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला आ जाएगा तो पुलिस से चंदौली पुलिस एसपी सर बात हो जाएगी और मुझे मौके पर छोड़ दिया जाएगा, तो 1-2 दिन का समय मिल जाता तो कोर्ट में वो अपना उनके अपने सरकारी वकील द्वारा यह रकम दाखिल कर सकते थे कि 2 दिन का समय दे, लेकिन एक नहीं सुनी गई, क्योंकि एसपी साहब की खुद नौकरी फंसी हुई थी। तो जब किसी की नौकरी फंसती है तो
तो वो दूसरे को नहीं सोचता। जिस तरीके से ये मामला दिखाया गया है, ये करप्शन का मामला है, तो क्या जांच जो बैठेगी तो इसमें जो 51 लोग आरोपी हैं, 11 लोग तो मुख्य लोग हैं, अधिशासी अधिकारी इसमें शामिल है, SDM शामिल है, कानून को शामिल है, तहसीलदार शामिल है, लेखपाल शामिल है, तो क्या एवरीबडी सबके सब करप्शन में शामिल थे? और अगर सबके सब सबके सब अगर शामिल थे तो क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का डंडा सप्पल चलेगा या इलाहाबाद का चाबुक सप्पल चलेगा? तो क्या करप्शन को लेकर कोई नजीर पेश की जाएगी? जिस तरीके से यूपी सरकार करप्शन पे एक बाद एक फैसले कर रहे, इस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक चाबुक चलाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर करप्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करप्शन होते रहते हैं, जांच चला करती है, अधिकारियों को भी ये बात मालूम है, शिकायतें होती रहेंगी, जांच चलती रहेंगी। कुछ अधिकारी तो इतने ज्यादा लापरवाह हैं, इतने ज्यादा उनका सिंडिकेट मजबूत है कि बहुत बड़े बड़े करप्शनों के आरोप चलते रहते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे ऐसे जनपद है जहां पर शिकायतें होती रहती हैं, कहीं जहां उनका मन मुताबिक होता है वहां बुलडोजर घूम रहा है, जहां मन मुताबिक होगा वहां उनका बुलडोजर चलेगा, जहां मन मुताबिक होगा वहां उनकी कार्रवाई की जाती है। कुछ तो ऐसे अधिकारी हैं जो शिकायतें होती रहती है फिर भी गंभीर नहीं होते। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इस याचिका पे अपनी गंभीरता दिखाई है और SDM को अरेस्ट किया गया है, उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया है। इस उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ जब कोर्ट का चाबुक चलेगा तो SDM का DM गिरफ्तार हो जाएगा। पहली बात तो गिरफ्तार होना ही बहुत बड़ी बात थी, आप क्या जांच होगी, कौन से फैसले आएंगे? बिल्कुल सही बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगर गिरफ्तारी का आदेश दिया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लापरवाही आ रही होगी, या SDM साहब अपने ईगो के आगे हाईकोर्ट को भी ठेंगे पर रख रहे होंगे, SDM साहब हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे होंगे, वहां की चंदौली पुलिस नहीं मान रही होगी। इसलिए जब हाईकोर्ट ने देखा कि इनकी अवमानना की जा रही है, जब हाईकोर्ट के आदेश को ये लोग नहीं मानते हैं, किस तरीके से आखिरकार कोर्ट को गिरफ्तारी का आदेश करना पड़ा और गिरफ्तारी का आदेश करने से पहले SP साहब को तलब करना पड़ा चंदौली के, तब जाकर के SP साहब ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए SDM साहब को गुपचुप तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ अरेस्ट करवा लिया, जिसका पूरा मामला कोर्ट के संज्ञान में है। 2011 का प्रकरण है, करप्शन का प्रकरण है, आवाज धांधली का मामला है। अब देखना यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर क्या नजर बना के रखेगा, SDM साहब को क्या रिलीफ मिलेगी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से SDM साहब पर कौन सी जांच उठाई जाएगी, सोचने वाली ये बात है। जी बिल्कुल दानिश, जिस तरीके से यह मामला सामने आया है और इसमें SDM का नाम ही खुद अपने आप में सामने आया है, ये काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है और इसको लेकर ये जो गुत्थी है ये अब और उलझती भी नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए, काशीराम आवास में आवंटन में जो धांधली हुआ है, इसमें और किन किन के नाम के खुलासे हो सकते हैं और इसमें क्या और बड़े अधिकारियों के नाम के और खुलासे हो सकते हैं? क्योंकि ये जो मामला है, जिस तरीके से अब SDM के नाम का खुलासा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों के नाम के खुलासे होते नहीं है जल्दी, और अब जिस तरीके से ये SDM के नाम का खुलासा हुआ है, ये अपने आप में देखिए किस तरीके से और भी क्या इस मामले में और भी अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं, क्या बड़े अधिकारियों के? SDM ही इतने बड़े, अपनी तहसील के सबसे बड़े अधिकारी, मैं कह सकता हूँ कि एक तहसील का एज ए SDM ऑब्लिक DM, यानी कि एक जनपद का जिलाधिकारी भले DM हो लेकिन अपनी तहसील का वो, मैं कह सकता हूँ, DM ही होता है। SDM साहब के हर फैसले पर DM ही मार्क करते हैं, तो मार्क करने से पहले जब कोई जांच होती है तो DM साहब खुद ही SDM साहब को देते हैं, अक्सर जनपदों में देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो मामला यहाँ पर आया है, चनौली में नया तहसीलदार के पद पर जब SDM साहब हुआ करते थे तो 2011 में काशीराम आवास आवंटन व्यापक गड़बड़ी का मामला था, इसका मामला कोतवाली में दर्ज था। चंद्रमोहन सिंह पीड़ित थे, जिनकी याचिका और तहरीर पर 51 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। उस समय पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, बाकी के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई थी। 14 अगस्त 2013 को चंद्रमोहन सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, उस पर जो कार्रवाई की मांग की थी, उसमें तत्कालीन नया तहसीलदार सुनील कुमार के अभी मौके पर SDM अधिशासी अधिकारी कानून को लोकपाल समेत 11 कर्मचारी आरोपी बनाए गए थे, कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। तो इससे ये बात पता चली कि SDM साहब करप्शन करते रहे, उनको ये नहीं मालूम था कि हम SDM हैं, हमसे ऊपर बैठे हुए जज हैं, हमारे ऊपर बैठे हुए न्यायालय है, और कभी न कभी हमारे झूठ का पर्दाफाश होगा, कभी न कभी हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ेगा। शायद 11 साल बाद कोर्ट ने इस बात को समझा होगा और कोर्ट ने सीधे सीधे SP को तलब कर लिया चंदौली के, कि अगर SDM नहीं गिरफ्तार तो आप हो जाएंगे तलब, और जब आप तलब हो जाएंगे तो साहब कौन बचाएगा? इसलिए SDM साहब, एक कप्तान साहब ने अपने आप को बचाने के लिए वो अपने तरीके से चंदौली पुलिस अंबेडकर नगर पहुंचती है, अंबेडकर नगर पहुंचते चाहती है, SDM साहब को जिस तरीके से अपराधी को पकड़ने का पूरा, मैं कह सकता हूँ, प्लान बनाया जाता है, पूरा खाका तैयार किया जाता है, वैसे खाका तैयार किया गया और पूरी तरीके से मोटिव होकर के ये पुलिस आई थी कि बस SDM साहब को गिरफ्तार करना है। कोई फोर्स नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई सोर्स नहीं, चुपचाप गाड़ी में बिठाया गया और उनको भेज दिया गया। बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है,
काशीराम आवास में आवंटन में जो धांधली हुई है, इसमें एसडीएम की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, अपने आप में ही काफी बड़े सवाल खड़े करता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए दानिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे ऐसे ही अपडेट्स लेते रहेंगे। और देखिए, जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आया है, इसमें और किस किस की नाम किस किस के नाम सामने आने की उम्मीद है, इस पर भी हमने दानिश से चर्चा की है, तमाम बातचीत की है। और देखिए, ये मामला अपने आप ही खुलता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से अब एसडीएम पर कार्रवाई हुई है, उम्मीद है कि और भी इसमें जो अधिकारी होंगे या और भी बड़े पुलिस ऑफिसर्स होंगे, उनके नाम के खुलासे हो और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चले आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में मंगलवार को देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। बता दिए कि गोमती नगर के समना मूलक चौराहे के पास गोमती नदी के किनारे कुत्ते को टहलाने आए कार सवार चार लोग नदी में डूब गए, जिसमें दो लोगों को स्थानीय युवकों की मदद से बचाया गया। हालांकि एक युवती, युवक और कुत्ता नदी में ही डूब गया। फिलहाल SDRF और साथ ही SDRF की ओर से मदद से दोनों की तलाश की जा रही है। इस हादसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। साथ ही ज्वाइंट CP पीयूष मोडिया ने बताया है कि एक कार में चार लोग कुत्ते के साथ जा रहे थे, तभी पानी के बहाव के चलते गाड़ी फिसलकर नदी में डूब गई। हादसे में नदी में डूबे दो लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं JCP के मुताबिक विकास नगर निवासी अभिषेक दुबे और साथ ही सीतापुर निवासी दुष्यंत शुक्ला को घटनास्थल पर मौजूद समीर ने साथियों के साथ रस्सी की मदद से सकुशल बाहर निकाला है। वहीं अभिषेक ने बताया है कि लोग रोजाना कुत्ते को टहलाने आते थे, आज पानी में बहाव तेज होने के कारण कार फिसलने लगी और तो संभाल नहीं पाए और सीधा नदी में ही कार डूब गई। वहीं बता दें कि वहां से गुजर रहे पेपर मिल कॉलोनी के कुछ लड़कों ने बचाने के शोर मचाया और साथ ही वहां पर लोगों ने किसी तरह दोनों को निकाला। और साथ ही बता दें कि मौजूद नेपाल निवासी मीना कुमारी और साथ ही मिर्जापुर निवासी मुन्नू यादव ने नहीं निकल सके हैं। फिलहाल दोनों की तलाश लगातार जारी है। एक बार फिर इस मामले पर हमारे साथ दानिश जुड़ गए हैं। दानिश, जिस तरीके से लखनऊ से ये मामला सामने आया है, अब कितने लोगों की कितने लोग अभी भी नदी में फंसे होने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, कल रात की अचानक ये घटना है और मुझे लगता है पानी के बहाव के चलते जिस कार थी जो समता मूलक चौराहे के पास नदी में शायद बहाव में बहने लगी, जिसको देख करके कुछ लोगों ने देखा, तो आनंद भारत संबंधित पुलिस विभाग को दी गई, जिसमें तमाम SDRF की टीम और मैं कह सकता हूँ ज्वाइंट कमिश्नर और DM खुद लखनऊ वहां पहुंचे थे। तो सकुशल इसमें एक पुरुष और एक महिला को रेस्क्यू अभियान के तहत बचा लिया गया है, लेकिन अभी शायद दो लोगों की तलाश में जारी है और इसमें डेड बॉडी में केवल कुत्ता ही मृत पाया गया है। तो अभी दो लोगों की तलाश जारी है और जिसे जैसा कि ज्वाइंट कमिश्नर जो लखनऊ के हैं पीयूष मोडिया, उनके मुताबिक सकुशल दो लोगों को बरामद कर लिया गया है और कुत्ते की मौत हो गई है। दो लोगों की तलाश अभी जारी है पानी के अंदर। तो इस तरीके के लेकर ये जो घटना हुई है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और तत्काल मदद के साथ साथ वहां पर जो घायल है लोग हैं, जो कुछ लोग अगर घायल भी हैं तो उनको सुचारू रूप से इलाज के लिए भी आदेश कर दिया है और दो लोगों की तलाश के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन कह दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जब भी होता है जब गोताखोरों की मदद या उसमें NDRF SDRF लोग उसमें टीम बुलाई जाती है, यानी ऐसे स्पेशल को बुलाया जाता है जहां पर जो बहाव है, अगर कोई जीवित व्यक्ति है तो उसको उस नदी से बचाने का प्रयास किया जाता है। देन उसके बाद जो बॉडी है उस बॉडी को भी ढूंढने का प्रयास किया जाएगा अगर वो एक मृत अवस्था में होंगे तो। लेकिन अभी दो लोगों को सकुशल बरामद निकाला गया है, इसमें जो मृत अवस्था में पाया गया वो कुत्ता है, क्रेन की मदद से रेड गाड़ी को भी निकाल लिया गया है। दो लोगों की तलाश कल रात से अभी तक जारी है, अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया कि वो दो लोग क्या वाकई में जीवित हैं या बहाव के किनारे कहीं बह के चले गए हैं, कहां पर है ये तो SDRF की टीम भी तय कर पाएगी। हालांकि मौके पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और DM समेत पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था। जी बिल्कुल दानिश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से गोमती नदी से ये खबर सामने आई है, जहां पर एक कार स्लिप हो गई और वो कार पानी में चली गई, जिसकी वजह से दो की मौत और दो लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल SDRF की टीम जुटी हुई है और तलाश जो लोग लापता है उसकी तलाश में लगातार SDRF की टीम लगातार जुटी हुई है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नमस्कार।